ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों को सुलझा लेने का दावा किया है। बता दें कि बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक मानी जाती है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि समुद्री जहाजों का इस रहस्यमय बरमूडा ट्रायंगल में गुम हो जाने का कारण 100 फीट ऊंची खतरनाक लहरें हो सकती हैं। आइए हम आपको रहस्यमय बरमूडा ट्रायंगल के बारे में विस्तार से बताते हैं। बरमूडा ट्रायंगल अब तक कई जहाजों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। सबसे पहले 1872 में जहाज द मैरी बरमूडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब सामने आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इस बारे में अखबार में लेख भी छपा था। दो साल बाद फैट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट आवर बैकडोर शीर्षक से जॉर्ज एक्स सैंड का एक संक्षिप्त लेख भी प्रकाशित किया था। इस लेख में कई हवाई तथा समुद्री जहाजों समेत अमेरिकी जलसेना के 5 TBM बम वर्षक विमानों फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र किया था। फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना को काफी गंभीरता से लिया गया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था कि बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो रहे विमान चालकों को ये कहते सुना गया था कि हमें नहीं पता हम कहां हैं, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। जलसेना के अधिकारियों के हवाले से ये भी कहा गया था कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए। ये पहला लीक था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी परलौकिक शक्ति यानी दूसरे ग्रह के प्राणियों का हाथ बताया गया। 1964 में आर्गोसी नामक पत्रिका में बरमूडा ट्रायंगल पर लेख प्रकाशित हुआ। इस लीक को विसेंट एच गोडिस ने लिखा था। इसके बाद से लगातार संपूर्ण विश्व में इस पर इतना कुछ लिखा गया कि 1973 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इसे जगह मिल गई। वहीं बरमूडा ट्रायंगल में विमान और जहाज के लापता होने का सिलसिला जारी रहा। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे अधिक रहस्यमय घटना को मैरी सेलेस्ट नामक जहाज के साथ जोड़कर देखा जाता है। 5 नवंबर 1872 को ये जहाज न्यूयॉर्क से जिनेवा के लिए चला था, लेकिन वहां कभी नहीं पहुंच पाया। बाद में ठीक एक माह के उपरांत 5 दिसंबर 1872 को ये जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत हालत में मिला, परंतु इस पर एक भी व्यक्ति नहीं था। अंदर खाने की मेज सजी हुई थी, किंतु खाने वाला कोई न था। इस पर सवार सभी व्यक्ति कहां चले गए, खाने की मेज किसने कब और क्यों लगाई, ये सभी सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली ही बने हुए हैं। फ्लाइट 19। इसी प्रकार अमेरिकी नौसेना में टॉर्पीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते फ्लाइट 19 के 5 विमानों ने 5 दिसंबर 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से इस क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी और फिर ये लोग कभी वापस नहीं लौटे, जिसमें 5 टॉर्पीडो यान नष्ट हो गए थे। इस स्थान पर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट टेलर की कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो अंतिम शब्द सुने गए थे वे थे, हमें नहीं पता हम कहां हैं, सब कुछ गलत हो गया है, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है, समुद्र वैसा नहीं दिखता जैसा कि दिखना चाहिए, हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा में है, हमें कोई भी दिशा समझ में नहीं आ रही है, हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि, और उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। माना जाता है कि पिछले 70 सालों तक कोई भी वैज्ञानिक वहां जाकर इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत नहीं दिखा पाया, क्योंकि क्षेत्र के पास से गुजरने वाली हर चीज देखते ही देखते समुद्र की गर्त में गायब हो जाती है, चाहे वो समुद्री जहाज हो या फिर हवाई जहाज ही क्यों ना हो। बताते चलें कि नासा के सैटेलाइट्स ने अंतरिक्ष से पृथ्वी की कुछ ऐसी तस्वीरें खींची हैं जिनमें अटलांटिक महासागर में स्थित बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराते हुए बादलों की तस्वीरें भी शामिल हैं। इन तस्वीरों से बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझाने में सहायता मिल सकती है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने बताया था कि बरमूडा ट्रायंगल की भौगोलिक स्थिति और खराब मौसम के कारण ही अटलांटिक महासागर के उस क्षेत्र में रहस्यमय रूप से समुद्री जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने उस क्षेत्र पर चुंबकीय घनत्व के प्रभाव की बात को भी स्वीकार किया था। तो इन्हीं सभी जानकारियों की मदद से वैज्ञानिकों ने अपना एक विचार रखा और बताया कि समुद्री जहाजों का इस रहस्यमय बरमूडा ट्रायंगल में गुम हो जाने का कारण 100 फीट ऊंची खतरनाक लहरें हो सकती हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप वैज्ञानिकों के मतों से कितना सहमत हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे लोगों को इस रहस्य के बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए